गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, ये क्लास फोर्थ में हमारा वीडियो नंबर जो है ना 12 है। हमने पिछले वीडियो में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड पीरियड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है ना इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेटा, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, CW वर्क आप कंप्लीट कर रहे हैं। हर वीडियो के बाद लर्न एंड राइट बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरी है कि आप जितने भी यहाँ वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। यानी आपको यहाँ पर ABCD करके जो है ना चार यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चारों में आपको हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू यहाँ पर बताना है। तो देखिए, हम ये किस तरह किससे करेंगे। देखिए, ए देखते हैं हम इसका। आपको यहाँ पे 24,975 जो है वो दिया हुआ है। अब ईच प्लेस निकालना है आपको, हर एक का यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, वंस का तो प्लेस वैल्यू 5 ही है। टेंस पर जब आएंगे तो 7 और 7 के पीछे एक डिजिट, तो यानी एक आपको क्या लगानी है यहाँ पर, 0 लगानी है। इसके बाद 9 और 9 के बाद 1, 2 डिजिट है, तो 1, 2, 0। देन 4, 4 के बाद 1, 2, 3 ज़ीरोज़ एंड 2, 2 के बाद 1, 2, 3, 4 ज़ीरोज़। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। इसका देखिए सी, बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ अभी क्या है। 308217 इस तरीके से है, तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। देखिए, वंस तो सिंपल ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप टेंस पर आएंगे तो 1 तो लिखेंगे और उसके बाद एक ज़ीरो है, 2, 1, 2 ज़ीरोज़ इसके साथ में, 8 और 1, 2, 3 इसके साथ में 0। देखिए यहाँ पर 0 है, आप इसे 0 लिखकर भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसके पीछे और ज़ीरोज़ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड देन आप देखिए 3, 3 के पीछे 1, 2, 3, 4, 5 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से हम जो है प्लेस वैल्यू ईच ऑफ द डिजिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ट्रिकी है, थोड़ा देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्लेसेस प्लेस वैल्यूज ऑफ 2's 8's इन 438298। देखिए आपसे क्या कहा है, आपको एक नंबर दिया है 438298। यहाँ पर आपको दिखा रहा है बेटा कि 8 जो है ना दो बार है। अब आपसे कहा है ये दोनों 8 है ना, इन दोनों के दोनों 8 का प्लेस वैल्यू निकालिए और फिर उन्हें ऐड कीजिए, यानी उनका सम कीजिए। तो देखिए, इस वाले जब 8 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 8 लिखेंगे और उसके बाद 1, 2, 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो एक जो 8 होगा उसका प्लेस वैल्यू 8000 हो जाएगा। और ये वाला जो 8 है इसके पीछे कुछ नहीं है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो आपने दोनों 8 का प्लेस वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों प्लेस वैल्यूज़ को आपको सम करना है, ऐड करना है। तो देखिए 8000 और प्लस किस में करना है, 8 में। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 8008, यानी कि 8008। क्लियर, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 and 6 इन द न्यूमरल 20, 8, 6, 5 and 7। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसमें आपको यहाँ पर क्या देखना है, तो इसे हम जैसे ही देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पर एक नंबर दिया है 20, 8, 6, 5, 7। अब आपसे यहाँ पर क्या है कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालिए और 6 का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगा, 2 लिखिए और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 आपने यहाँ पर ज़ीरोज़ लगा दी। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 यहाँ पर क्या होगा, 6 लिखिए और 1, 2 यानी कि 1 और 2 आपने यहाँ पर जो है ज़ीरोज़ लगा दी। अब आपसे कहा है कि 2 की प्लेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू जो भी आती है उनका डिफरेंस निकालिए, यानी उन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम 2 के प्लेस वैल्यू और
सिक्स के प्लेस वैल्यू को डिफरेंस निकालेंगे यानी इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट निकालने के बाद क्या आएगा, 19940, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19,9400, ये जो है आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा वीडियो नंबर 12 भी हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें CW में कीजिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप और अच्छे जो है मैथ्स के अंदर हो जाएंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया करेंगी। तो इसीलिए अगर किसी को आगे बढ़ना है मैथ्स में तो आप फटाफट ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।